Hello friends, so let's discuss some examples on superposition principle. हमारे first example में हमें ये तीन masses दे रखे हैं, M, 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 तीनों equal masses हैं, जो कि एक equilateral triangle, side length A का triangle, उसके vertices पे रखे हुए हैं. Let's call these vertices as A, B and C. हमसे पूछा गया है फाइंड द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मास केप्ट एट सी. जो मास सी पर रखा हुआ है इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स बताइए. तो इस मास के ऊपर नेट फोर्स मुझे बताना है. हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम कह सकते हैं कि इस मास के ऊपर टोटल दो फोर्सेस लगेंगे, एक ए वाला लगाएगा और एक बी लगाएगा. तो ए ने फोर्स लगाया अपनी तरफ, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एफ इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, जी एम वन एम टू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. इतना ही फोर्स बी भी अप्लाई करेगा क्योंकि मास सेम है, डिस्टेंस भी सेम है. तो दोनों मासेस ने इक्वल फोर्स अप्लाई किया है सी पर F और F, ऑल्दो दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है. हमें C पर लगने वाला नेट फोर्स चाहिए, तो इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम चाहिए होगा. तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है. एक तो है दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो जो फॉर्मूला था वेक्टर सम का वो अप्लाई कर दो. नहीं तो दूसरा मेथड जो बेटर लगता है मुझे वो ये है कि इस तरीके की एक्सिस डिसाइड करिए. ये आपका मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस. ये वाई एक्सिस इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है. ये बाय डिजाइन है, हम जानबूझ के ऐसी एक्सिस सिलेक्ट किए हैं सच दैट दोनों में से कोई एक एक्सिस दोनों फोर्सेस के बीच वाले एंगल को बाइसेक्ट करे. क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि रिजल्टेंट किसी एक एक्सिस के अलोंग आए, इससे हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी. हमें पता है दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, इसलिए दोनों का रिजल्टेंट उनके बाइसेक्टर के अलोंग आएगा, इसलिए हमने एक एक्सिस दोनों के बाइसेक्टर के अलोंग ले ली. अब ये एंगल भी 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री, 30 डिग्री. अगर हम इन दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट करें तो x कंपोनेंट कितना आएगा, f sin 30 डिग्री, इधर भी f sin 30 डिग्री, लेकिन एक पॉजिटिव x डायरेक्शन में एक नेगेटिव x डायरेक्शन में, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे. बचेगा क्या, सिर्फ y कंपोनेंट, दैट इज f cos 30 डिग्री और f cos 30 डिग्री. तो नेट फोर्स हो जाएगा F नेट इज इक्वल टू F cos 30 प्लस F cos 30 2F cos 30 डिग्री माइनस J कैप, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव Y डायरेक्शन में है. F sin 30 डिग्री और F sin 30 डिग्री, एक प्लस I कैप था एक माइनस I कैप था, कैंसिल हो गया, J कैप वाला ऐड हो गया. तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2F cos 30 डिग्री इज रूट 3 बाय 2, 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू माइनस रूट 3 एफ जे कैप और एफ की वैल्यू है जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. तो दिस इंप्लाइज नेट फोर्स हो गया माइनस रूट 3 जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर जे कैप. अब ध्यान दीजिए इसमें ये जो जे कैप है ये हमारा चूज किया हुआ डायरेक्शन है, हमने चूज किया वाई एक्सिस को इस तरफ लेना. आपके ऑप्शंस में आपको ये जे कैप कई बार नहीं मिलेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा. तो आंसर क्या हो जाएगा, रूट 3 जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. थैंक यू.